खबर बवई से पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट। सिमरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक संवाद हुआ, शिक्षकों का सम्मान हुआ। प्रचार माधवेंद्र सिंह बुंदेल, श्री रमेश पटेल एवं श्रीमती अजय बुंदेला का विदाई समारोह हुआ। सिमरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, बच्चों के साथ शिक्षक के कैसा व्यवहार करें, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश पटेल एवं संकुल की शिक्षकों द्वारा किया गया। शैक्षिक संवाद हुआ, उसके बाद शिक्षकों का सम्मान हुआ और प्रचार मानवेंद्र सिंह बुंदेला, श्री रमेश पटेल एवं श्रीमती अजय बुंदेला का विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में श्रीमान बुंदेला ने बताया कि माता पिता और शिक्षक बच्चों की शिक्षा दीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। माता पिता और शिक्षक चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा छात्र हमसे भी आगे बढ़े और उन्नति करे। शिक्षक प्रदीप गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवध नारायण तिवारी, आरएसएस के जिला संघ संचालक सामान्य रुद्र प्रताप यादव जी, वर्तमान प्रचारे हेतराम पटेल, रमेश प्रसाद पटेल, मानवेंद्र सिंह बुंदेला, अनंत राम पाठक, प्रीतम अहिरवार, प्रदीप गुप्ता, मुकेश द्विवेदी, रमाकांत खरे, कैलाश गुप्ता, समस्त रिटायर मास्टर श्री नवाब सिंह, सरिता बुंदेला, आराम सिंह एवं चंद्रभान सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मानवेंद्र सिंह बुंदेला, रमेश पटेल जी का साल और श्रीफल से स्वागत किया और साथ ही में बच्चों ने सुंदर गायन भी प्रस्तुत किया। बाइट प्रचार है मानवेंद्र सिंह बुंदेला। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक उपकरण है। आपने बताया माता पिता और गुरु हमेशा चाहते हैं कि हमारा बताएं कृपया। प्रत्येक छात्र के जीवन में तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं, एक उनकी माता पिता और गुरु। गुरु का बताया हुआ एक लाइन छात्र के जीवन को संवार देती है और यही मेरा छात्रों से अनुरोध है कि वो गुरु के बताए हुए पथ पर चलें और अपना जीवन संवारें और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का, जिले का नाम रोशन। आज आपका विदाई समारोह भी था और शैक्षणिक संवाद के लिए थोड़ा बताएं, शैक्षणिक संवाद है क्या? देखिए, छात्रों के लिए उस जीवन में सबसे पहला तो है कि वो अपना एम निर्धारित करें और एम निर्धारित करने के बाद उस एम को कैसे प्राप्त करें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करें, इसकी योजना बनाएं। इस योजना में कौन कौन लोग उनके सहायक हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो उनका विद्यालय है, विद्यालय में उपस्थित उनके जो गुरुजन हैं वो उनके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सहायक हो सकते हैं, साथ में उनके जो सहपाठीगण हैं और साथ में जो उनके मेंटर्स हैं उनको सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।